जनता दल यूनाइटेड अभी तो आप लोग भी वही है काम कर रहे हैं जो इधर हो रहा था। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक दो भागों में विभक्त करके कल और आज संपन्न हुई। कल भी 3 बजे से बैठक थी और आज भी 11 बजे से बैठक थी और आज की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने इच्छा जाहिर की कि उनको पार्टी के अध्यक्ष पद से हम लोग के नेता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में कभी कोई कहीं भेज दे रहा है, कभी कोई कहीं भेज दे रहा है, तो ये बात हम लोग साफ कर देना चाहते हैं कि पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ है और मजबूती से एनडीए के साथ है। तीसरी बात, पार्टी में पार्टी को संगठन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई, चल रही है, उसकी भी चर्चा है। प्रस्ताव पास हुआ है, वो प्रस्ताव की कॉपी आप सबों को मिल जाएगा। उस प्रस्ताव में हम लोगों ने यह फैसला किया है, पार्टी ने यह फैसला किया है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 का निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी ने का, और उसमें जो प्रदेश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के को प्राप्त करने में पूरी पार्टी एकजुटता के साथ लगेगी और सरकार का इसमें समर्थन किया है। कोरोना काल में भी जो काम किया राज्य सरकार ने, उसकी भी प्रशंसा उस प्रस्ताव में की गई है। कई लोग थे इस बिहार में, बहुत लोग थे, मीडिया में चलता रहता था कोरोना काल में, कुछ नेता थे, वीर नेता थे, जो दिल्ली से पटना आते थे, घूम घाम के आते थे, कोरोना पर सरकार की आलोचना करते थे। आपको हम बता दें कि बिहार में कोरोना का जांच आज भी देश के औसत जांच से ज्यादा है, मृत्यु दर हमारा सबसे कम है, जो रिकवरी रेट है, जो मरीजों के ठीक होने का दर है, वह भी हमारा है। और यही कारण है कि बिहार में कोरोना के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया और महामहिम राष्ट्रपति ने बिहार को रिवार्ड देने का काम किया। तो ये सारा काम हुआ है। जल जीवन हरियाली में भी जो काम राज्य सरकार कर रही है, उसकी भी उस प्रस्ताव में चर्चा है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई लोग तो पूरे चुनाव में घूम घूम के रोजगार दे रहे थे, रोजगार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरकार गठन के बाद पहली बैठक में 20 लाख रोजगार सृजन के प्रस्ताव को सहमति दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में 20 लाख रोजगार सृजित होंगे और 20 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तो ये सारे प्रस्ताव हैं जो हम लोगों ने पार्टी की बैठक में, 2 दिनों की बैठक में पास किया है। आप सबों को उस प्रस्ताव की कॉपी वितरित की जाएगी। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेश कुशवाहा जी, अशोक चौधरी जी बोल लीजिए, तो बोल लीजिए। आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों, मीडिया के साथियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता ललन बाबू, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित अशोक चौधरी जी उपस्थित हैं। हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सर और पार्टी के नेता लोग ने जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दिया, उस जवाबदेही को मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। और जो हम लोग का पार्टी का जो मूल मंत्र है विकास का, जो हमारे नेता का जो आगे बढ़ रहे हैं न्याय के साथ सबों का विकास,
और उसी के रूप में हम लोग उसको कायम रखेंगे, समाज के सब तबके के लोगों को सांस जोड़कर एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने का, जो हमें जवाबदेही दिया है उस जवाबदेही को हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे सफलतापूर्वक, और जो युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे भागीदारी मिलेगी, और जो हमारा जो एजेंडा है चाहे जो हमारे सरकार का जो विकास का कार्य है उसको हम गांव गांव तक के संगठन के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। लीजिए अशोक चौधरी, हम अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करते हैं। माननीय नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे नौजवान साथी पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा जी को जिम्मेवारी का निर्वहन करने की जिम्मेवारी दी है। हम सब साथी जो पार्टी के सशक्त और मजबूत रूप से पार्टी के साथ और नीतीश जी की विचारधारा को इस प्रदेश में मजबूत करने वाले लोग हैं, वो उमेश कुशवाहा जी के साथ ताकत के साथ लग करके इस पार्टी में नए धारदार संगठन कैसे बने, नौजवानों को कैसे जोड़ा जाए, नया यंग ब्लड कैसे इन्फ्यूज किया जाए इस पार्टी में, उस पर हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस उम्मीद के साथ बिहार की जनता ने इस प्रदेश में NDA के शासन को फिर से स्थापित किया है और माननीय नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का जो मैंडेट दिया है, और जो माननीय नेता ने इस प्रदेश में घूम घूम करके जो घोषणाएं की थी कि जिनके ऊपर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया है, उसकी जिसका हम लोगों ने पहली कैबिनेट में जो हम लोगों ने सहमति प्रदान की है, उस पर हम लोग इन 5 वर्षों में काम करेंगे। नौजवानों के लाइवलीहुड कैसे